बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास इस वक्त मौजूद है जी टॉप डाउन 800 BT, और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल के साथ अपने स्कैनर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मोबाइल के साथ स्कैनर को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि फ़र्ज करें आपका एक दोस्त पिंडी बैठा हुआ है जिसे स्कैनर को यूज़ नहीं करना आता, या उसके स्कैनर में कोई भी इशू है, या उसने कोई कैलिब्रेशन करनी है, तो वो अपने दूसरा दोस्त जो फ़र्ज करें लाहौर बैठा हुआ है, तो अब लाहौर वाला जो पिंडी बैठा हुआ है उसका स्कैनर कंट्रोल करते हुए खुद वो सारा काम कर सकता है जो कि वो व्हाट्सएप पे उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, जिसमें बहुत मसला होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे अपने मोबाइल से आप कहीं भी बैठे हुए, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, अगले बंदे का स्कैनर को कंट्रोल करके उसका जो भी काम है, उसे जो भी ऑपरेशन है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे। इसको रिमोट डायग्नोसिस बेसिकली बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें एक रिमोट डायग्नोस का ऑप्शन आएगा, ये आपके सामने है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके लिए आपके स्कैनर के अंदर वाईफाई का कनेक्ट होना ज़रूरी है, इसी तरह मोबाइल के अंदर डाटा या वाईफाई का कनेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम टीम व्यूर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हमारे पास एक आईडी आ चुकी है, ठीक है। इस आईडी को आपने इस आईडी को यहाँ पर सिंपली एंटर करना है। जी मैंने इसके अंदर आईडी डाल चुके हैं और सिंपली इसको ऐसे क्लिक कर दिया, और आगे स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं क्या ही कह रहा है। यहाँ पे आपने इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद चंद सेकंड्स में ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखें जी, हमारा मोबाइल और स्कैनर दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं मोबाइल से पूरा का पूरा स्कैनर जो है वो आपको चला कर दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मोबाइल के जरिए स्कैन पर जाएंगे, ठीक है। अब कोई भी गाड़ी या कोई भी कैलिब्रेशन करनी है, मैं मोबाइल के जरिए यहाँ बैठे बैठे कहीं भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी स्कैनर को। इस स्कैनर के अंदर ये ऑप्शन दिया गया, बाकी स्कैनर्स के अंदर इंशाल्लाह उनमें मैं आगे फर्दर वीडियोज़ बनाता जाऊँगा। तो आप इससे ऐसे आराम से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने विंडो की कैलिब्रेशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कनेक्ट तो नहीं है गाड़ी में, लिहाजा ये आगे नहीं जाएगा। तो फ़र्ज़ करें कोई अपडेट नहीं हो रही, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप देख सकते हैं मैं मोबाइल के साथ सब कुछ कर रहा हूँ, और ये ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है ऐसे काम करना, बजाय इसके कि आप फ़ोन पे व्हाट्सएप पे इसको वीडियो कॉल करें और एक एक स्टेप बताएँ, आप खुद उसका स्कैनर कंट्रोल करें, या फिर आपका कोई स्कैनर में इशू आ रहा है तो आप अपने डीलर से इसके थ्रू अपना जो भी मसला आ रहा है उसे फिक्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस फीचर के बारे में आपको अगर पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो इसको दूसरों को बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।